सो गाइज यार, आप में से काफी ज्यादा बंदे ऐसे होंगे जो भाई डेली रैंक पुश करते होंगे, बट उनके पास एक प्रॉपर स्क्वाड भी नहीं होगी, जिस वजह से बंदे यार क्या करते हैं यार, अपनी रैंक पुश करना बंद कर देते हैं। तो भाई लोगों, आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली जो सोलो रैंक पुश करते हैं। तो यार जैसे कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ, काफी बंदे सोचते होंगे कि यार सोलो रैंक पुश करना काफी ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन जो आप स्क्रीन में देख रहे हो भाई, इस बंदे को देख सकते हो यार, मतलब यार बंदा भाई क्या ही, मतलब यार 5 स्टार लगा के बैठा है हीरोइक में, ठीक है। और भाई आप में से काफी ज्यादा बंदे कह रहे होंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, अपनी स्क्वाड के साथ यार रैंक पुश करी होगी। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हो भाई, देख सकते हो जैसे कि अभी मैं आपको इसका रैंक का करियर दिखा रहा हूँ इस सीजन का, तो भाई इसने लगभग भाई देख सकते हो कितने मैचेस खेले भाई, सिर्फ और सिर्फ सोलो में खेले हैं, एक भी मैच ने भाई यार डुओ या फिर स्क्वाड में नहीं खेला है। सो गाइज यार, आप भी सोलो गेम प्ले करके अपनी रैंक हीरोइक या फिर ग्रैंड मास्टर को पहुंचा सकते हैं जरूर जरूर, बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको यार कभी बाउंड्री टोकन नहीं लेना है, आपको हमेशा समून एयर ड्रॉप या फिर बॉनफायर लेना है। वो क्यों, वो आपको मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो चलो भाई लोग रैंक लगा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अपने उतरे तो उतरे कहाँ जहाँ पर अपने को प्रॉपर लूट भी मिल जाए और बंदे भी कम से कम आए। तो आपको हमेशा भाई मिल की तरफ जाना है। अब मिल में क्यों जाना है, अगर भाई लोगों वहाँ पे मान लो कि आप जा रहे हो, ठीक है, कोई बंदा नहीं आता, तो आपको अच्छी खासी लूट के साथ साथ वहाँ पे मशीन भी मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी यार प्रॉपर लूट एकदम अच्छे से हो जाएगी। अगर कोई बंदा उधर से आता है तो भाई आपके पास इतना टाइम आराम से निकल जाएगा कि आप वहाँ से निकल जाओ, और उसके आसपास काफी ओपी से ओपी भी हिडन प्लेस है। जैसे कि अगर आप मिल के पीछे चले जाते हो तो वहाँ पर आपको कोई बंदा तो भाई लिटरली देख भी नहीं पाएगा, और भाई साइड से होते हुए आप भाई कहीं पर भी जा सकते हो, रिवर साइड वगैरह, जहाँ पर काफी से कम बंदे आते हैं। अब जैसे कि भाई देख सकते हो यार, यहाँ पे मैं मिल में जा रहा हूँ और कोई बंदा मेरे स्कैनर में अभी तक तो नहीं दिखा रहा आता हुआ। तो चलो भाई देखते हैं क्या कोई बंदा अगर आएगा तो उसको हम कैसे मारेंगे। चलो भाई, जैसे कि यहाँ पर मेरी लगभग लूट हो चुकी है और यहाँ पर एक भाई बंदा आ चुका है मेरे सामने, ठीक है। हालांकि यार ये है ग्रीन ग्रीनल, मतलब रेयर नहीं आजकल यार अपडेट का सबके पास है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो एक बंदा है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नेट करता हूँ ताकि उस बंदे को लगे कि भाई ये तो बंदा नेट कर रहा है। चलो ठीक है ना, आप उसको नेट कर दिया तो वो बंदे के पास तक नहीं गया, तो वो थोड़ा नूड़ा नूड़ा सोचेगा। तो चलो अपने यहाँ पर नेट करा है, अब यहाँ से अपने नीचे चल जाते हैं ताकि उस बंदे को अपनी लोकेशन नहीं बताया। और हमेशा बंद क्या करना है भाई आपको यार, कभी भी अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं है तो आपको फाइट नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास तो ग्लू वॉल है, इसलिए मैं भाई जरूर जरूर फाइट लूंगा इसके साथ, ठीक है। क्योंकि यार अगर आप यार अब आप सोच रहे हो कि यार बंदा है तो यार मैं और साइड से निकल जाता हूँ, फाइट नहीं लेता हूँ, नहीं भाई, अगर आपको यार अपनी रैंक पुश करनी है तो आपका बैटल स्कोर भी यार अच्छा खासा जाना चाहिए, इसलिए यार कम से कम आपको उतरते साथ एक या दो किल तो करने ही है। गाइस यार, अगर आप यार भाई एक बंदा भी नहीं मार पाते हो गेम के अंदर, फिर आपके यार रैंक पुश करने का मतलब यार कोई भी मतलब वो नहीं है भाई, ठीक है ना, कोई अच्छा खासा पर्पज नहीं है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ रैंक अगर आप पुश करते हो तो भाई कम से कम आप एक दो बंदे तो मार सकते हो, ठीक है ना। तो अब जैसे कि यार मेरे सामने एक बंदा आ गया, ठीक है, अब मैं इसको तो भाई आराम से मार लूंगा, देखना, ठीक है। यहाँ पर उस बंदे को कवर लेने गया और यहाँ पर मैंने इसको आराम से खत्म कर दिया और मेरा पहला किल आ चुका है। इसी के साथ साथ मेरे को भाई थोड़ी अच्छी खासी लूट और मिल चुकी है, ठीक है, टोकन वगैरह मिल चुके हैं, तो अब मैं यहाँ से टोकन से जाऊंगा, ठीक है ना। और भाई सबसे पहली बात, आपको हमेशा वेट्स वगैरह निकालने हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाई मैंने सब कुछ निकाल के सर्वाइव भी कर लिया, थोड़ा बहुत देख सकते हो ऊपर जोन आ चुका है, ठीक है। पहला जोन यहीं पर तो भाई मेरे को भाई कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर देख सकते हो यार मेरे पास अपनी प्रॉपर लूट भी, और पहले और दूसरे जोन में तो आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो, जिसमें आपको भाई यार जरा सा भी डैमेज नहीं पड़ेगा, भाई हल्का फुल्का डैमेज पड़ेगा उसका आप रिकवर आराम से कर लोगे। अगर भाई यार आपको ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करते रहना भाई, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो यार कम से कम आप में तो भाई यार आराम से भाई यार मतलब आप रैंक पुश कर रहे हो तो कम से कम आपको सर्वाइव तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सर्वाइव किए बना, अगर आप सोचते हो कि मैं रश गेम प्ले वगैरह करूँ तो भाई आप कभी मर सकते हो। यहाँ पर भाई एक और बंदा आ गया था भाई इधर पे, ठीक है ना। तो अब मेरे को पता चल चुका है कि भाई यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे आ चुके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और बंदा यहाँ पर देख लिया, खत्म कर लिया। अब मेरे को भाई यहाँ से निकलना जरूरी। अगर आप मान लो कि भाई जहाँ पर भी उतरे हो, आपको लगता है कि भाई यहाँ पर एक बंदा आपने मार लिया, फिर आपको लगा कि भाई और भी बंदे हो सकते हैं, तो आपको हाथों हाथ वहाँ से निकल जाना, आपको भाई जरा भी वेट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई मेरे को पता चल गया ऊपर भी एक बंदा है जो स्नाइपर वगैरह चला रहा है, ठीक है। तो भाई मैं इसको भी यहाँ पर खत्म कर लूंगा भाई। आप अगर भाई आपको भाई रैंक पुश करनी है तो भाई आपको फाइट लेने की जरूरत नहीं है, आपको निकल जाना भाई यहाँ पर। यार मैं तो यार आराम से इस बंदे को मार सकता हूँ, इसलिए भाई यहाँ पर मैंने इस बंदे को पूरा खत्म कर दिया हेडशॉट से। अब भाई मैं क्या करूंगा, अब मेरे को पता चल गया कि भाई यहाँ पर और भी बंदे आ सकते, तो इसलिए भाई मैं यहाँ पर निकलने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। सो गाइस यार, वहाँ पर जैसे कि आपको पता है यार बंदे काफी ज्यादा चालू हो गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ रिवर साइड के पास में, जो आपको भाई यार मल्टी विंडोज का दिखेगा। अगर ये आपके लिए सबसे बढ़िया सर्वाइविंग प्लेस हो सकती है, अगर जब मैंने आपको कहा था कि आप भाई कुछ भी लेके आ सकते हो, बॉन फायर अगर आप लेके आते हो, तो अगर जोन फायर जोन के अंदर आप सर्वाइव करना चाहते हो आराम से अपनी रैंक पुश करके, तो आप बॉन फायर ला सकते हो, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर भाई समोन एयर ड्रॉप ले लिया है, क्योंकि अगर इससे आपको अच्छी खासी गन मिल जाएगी और वेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने समोन एयर ड्रॉप मंगा लेता हूँ, अगर इसमें कुछ अच्छा खासा निकल गया तो उसको ले लूंगा। देख सकते हो भाई लोग अभी तक यार सिर्फ 25 बंदे ही अलाइव है, और यहाँ पर भाई फर्स्ट जोन चल रहा है अभी तक, ठीक है, फर्स्ट जोन चला और 25 बंदे ही अलाइव है। तो यार मेरे लिए तो भाई काफी अच्छा खासा ये गेम प्ले निकल जाएगा, ठीक है। मेरे इसमें रैंक आराम से पुश हो जाएगी, 3 किल भी आ चुके हैं। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आप यार सर्वाइव करते हो तो उसके साथ आपको 1-2 किल भी लेने, क्यों, क्योंकि अगर भाई अगर आपके भाई किल आ जाते हैं तो आपको बैटल स्कोर अच्छे से अच्छा जाएगा और आपकी रैंक ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगी। यार सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिलता है सोलो गेम प्ले करने का, कि आप जब कभी भी यार अगर आप सोलो गेम प्ले करते हो तो आपको भाई सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 के अंदर आना है अपनी रैंक पुश करने के लिए, ठीक है। अगर आप
टॉप 10 के अंदर आ जाए तो जब आपके भाई अच्छा खासा प्लस हो जाता है, ठीक ठाक प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपकी ज़्यादा प्लस हो जाएगी, हालांकि आप जब स्क्वाड गेम प्ले करोगे तो भाई स्क्वाड गेम प्ले में आपका क्या होएगा भाई, जैसे कि यार अभी यहाँ पे नीचे बंदा है तो अभी देखना मैं यार यहाँ पे फाइट नहीं लूंगा जब तक यार हम आमने सामने नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई स्क्वाड गेम प्ले में हमेशा आपको क्या करना होगा, कम से कम यार आपको यार अपनी उस पूरी की पूरी स्क्वाड की भाई पोजीशन मेंटेन करके रखनी होगी टॉप 3 या 2 तक। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10, जब तक लास्ट के 10 बंदे बचते तब तक आपको बचे रहना है। अब जैसे कि भाई यहाँ पर नीचे फाइट चल रही थी, इसने शायद से एक बंदे को खत्म कर दिया है, तो भाई अब मैं क्या करूँगा देखना भाई, यहाँ पर फाइट चलती रहती है और मेरे को भाई ये बंदा दिख रहा है, ठीक है। अगर भाई मेरे को बंदे को मारने का मौका नहीं मिल रहा है तो मैं भाई बंदे को मारूंगा भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास हमेशा एक साइलेंसर होना चाहिए जब भी आप सोलो में रैंक पुश कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सोलो में रैंक पुश करते हो तो भाई आपको यार साइलेंसर 100% रखना है अपने पास, क्योंकि भाई बंदों को आपकी लोकेशन नहीं पता चलनी चाहिए। अगर आपको मान लो कि यार आप बंदों की आपकी लोकेशन पता चल रही है सीधा सीधा, तो भाई आपके लिए भाई यार बहुत यहाँ पे खतरा हो जाएगा, आराम से कोई बंदा आपको इधर उधर से आके मार सकता है। और मैंने उस बंदे से फाइट नहीं लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई मेरे को पता था अगर मैं उससे फाइट लूंगा तो भाई मैं भी कहीं ना कहीं मेरा भी खतरा है मरने का, तो मैं यहाँ पर सेफ जोन पकड़ने जा रहा हूँ। सो गाइस यार यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं सेफ जोन पकड़ने आ चुका हूँ, ठीक है। अभी भी जोन मैंने ढंग से पकड़ा नहीं है और डबल डोर से मेरे ऊपर फायर होने लग जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा यार इतनी बात ध्यान रखनी है, बंदा अगर आपको लोकेशन प्रॉपर पता है, अगर आप फाइट करना चाहते हो तो भाई आप डरो मत, सीधा फाइट करने निकल जाओ। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि देखा भाई मेरे को चारों तरफ से बंदों ने घेर रखा, ऐसे में भाई आपका अच्छा खासा माइनस लग जाएगा, क्योंकि अभी भी 18 बंदे अलग है, मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 ही किल आ रखे अगर आपके ज़्यादा ज़्यादा रैंक हाई है तो। फिर ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ निकल जाना है जहाँ से आपको लगे, क्योंकि उस तरफ से 2 बंदे थे, ठीक है, इसलिए मैं उस तरफ से नहीं गया, मैं साइड से निकल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो मैंने इसलिए फास्ट कर दिया ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। और यहाँ पर एक बंदा आया था जोन से, ठीक है, मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर भाई बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और मैंने इसको आराम से पूरा खत्म कर लिया है, ठीक है। और नीचे भी फाइट चल रही है, जैसे कि देख सकते हो वहाँ पर ग्लू वॉल वगैरह लगी हुई है, ठीक है। अब मैंने इस बंदे को डैमेज दिया, इसको पता लगी लोकेशन और भाई इसने लगा ली ग्लू वॉल, तो अब ऐसे करके अपने आगे चलते। तो चलो भाई लोगों यार जो दूसरा मैप पगटरी का, उसमें यार काफ़ी ज़्यादा भाई यार रैंक पुश करने में लोगों को दिक्कत आती है, तो चलो भाई लोगों उसके बारे में भी आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं। सो गाइस यार यहाँ पर हमारे रैंक का परगटरी मैप लग चुका है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है परगटरी मैप उतर कहाँ, क्योंकि यहाँ पर हर जगह तो बंदे आ ही जाते कैसे भी करके, तो यार हमेशा इतना ध्यान रखना मार्बल्स वर्क्स जो जगह है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाड्स उतरती है, सोलो गेम प्ले में काफ़ी कम बंदे उतरते हैं, ये सभी को अभी तक पता नहीं है। सब बंदे सोचते जब भी वो स्क्वाड गेम प्ले वगैरह करते हैं तो यार मार्बल वर्क्स की तरफ जाते हैं, बट यार इतने बात हमेशा ध्यान रखना मार्बल वर्क्स में सिर्फ और सिर्फ स्क्वाड्स उतरती है, सोलो गेम प्ले में कभी भी आपको कोई बंदा वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो भाई हमेशा आपको यार मार्बल वर्क्स के थोड़ा आगे जाना, जो भाई यार जो जहाँ पे देख सकते हो मैंने लोकेशन लगा रखी है अभी, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाना, सबसे आगे से आगे होते हुए जाना, यहाँ पर उतरते आपको अगर कोई व्हीकल वगैरह मिल जाए तो ठीक है भाई सीधा आप निकल जाओ भाई। आपको जरा भी आप बंदों को अगर आप बंदे देख ले तो सीधे सीधा निकलो यार। वैसे तो यार आपकी जहाँ पे आपको उतरना है ना, सिर्फ सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि आपको कहीं पर भी लूट नहीं करनी है, अगर आपको गन दिखी हुई मिल गई सामने तब भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको सीधा अपने पहले तो लोकेशन में जाना ताकि आपको वहाँ की प्रॉपर लूट मिल जाए, और कोई बंदा अगर आए आपके सामने तो आप उसको भाई यार इग्नोर करके सीधा अपनी लोकेशन में जाओ और फाइट लेने की कोशिश ना करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी लूट कंप्लीट कर लूँगा। और गाइस यार आपकी लूट कंप्लीट होने के बाद यार यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पीछे टावर और कंटेनर्स दिख जाएंगे, और आपको क्या करना है, बस यहाँ पे टावर्स में और कंटेनर में सर्वाइव करते रहना। लेकिन अभी भी मेरे को यार अच्छी खासी लूट नहीं मिली, इसलिए मैं क्या करूँगा भाई यहाँ से होते हुए साइड में चले जाऊँगा, ठीक है ना। जैसे कि गाइस यार आप देख सकते हो मैंने यार वहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे को अच्छी खासी लूट मिल गई, और फिर मैं इधर यार क्वेरी में आ देता हूँ। यहाँ पर भी आपको कम से कम बंदे देखने को मिलेंगे, अगर अभी तक यार कोई बंदा इधर उतरा भी होगा तो अपनी लूट करके यहाँ से निकल चुका होगा, क्योंकि यार यहाँ पर पहला जोन लगभग थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा अभी, ठीक है, पहला जोन बन भी चुका है। तो अब यहाँ पर भाई मैं आराम से अपनी लूट कर लूँगा, और कोई बंदा यहाँ पर मेरे को भाई देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा मेरे को देखने को मिले भी तो यार आराम से हम 1-2 किल तो ले ही सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरी अच्छी खासी थोड़ी लूट हो चुकी है। अब भाई क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि आपको ऊपर टावर दिख रहा है तो यार यहाँ पर आपको सर्वाइव कर लेना है। क्यों करना है, चलो भाई लोगों देखो, अभी जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो भाई अब यहाँ पे तो भाई ऑब्वियसली बात है कोई बंदा नहीं है, 22 ही बंदे बचे हैं, तो मेरी यार थोड़ी बहुत अच्छी खासी रैंक प्लस हो जाएगी, पुश भी अच्छी खासा मैं कर लूंगा इस मैच में। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, आके लेट जाना है। क्यों लेट जाना है, क्योंकि अब जैसे जैसे जोन आने वाला तो भाई कोई बंदा पीछे आकर इस टावर भाई कोई भी नहीं देखेगा कि यहाँ पर कोई बंदा हो सकता है सर्वाइव करने वाला, तो ठीक है। तो भाई यहाँ पर जैसे मैं सर्वाइव करूंगा काफी थोड़ी देर तक कर लूंगा जब तक यार जोन काफी दूर नहीं चले जाता। आपको भाई सिंपल सी यही ट्रिक्स फॉलो करते रहने परगटरी मैप में। अब गाइस यार यहाँ पर आ चुका है जोन, अब मेरे को क्या करना है यहाँ से, अब भाई आपको भाई ऐसे नहीं करना है कि अब आधे एक घंटे तक यार जोन के अंदर ही बैठे रहो, ठीक है, बाहर नहीं निकलो भाई, सर्वाइव करो। बट यार इतना भी मत करो कि यार अगर थोड़ी देर बाद आपको यार मौका ही नहीं मिले, क्यों, क्योंकि आगे भाई जाके परगटरी मैप में क्या सीन होता है भाई, जैसे कि मैं इस साइड में सर्वाइव कर रहा हूँ, अगर मान लो कि जोन उस पुल के भाई यार उस तरफ बन गया तो यार एक सीन ये आता है कि भाई बीच में से कभी कभी रिवर पार करनी पड़ती है जिसमें यार बंदे आपको पहले ही मार लेते, इसलिए हमेशा जोन पकड़ के रखना भाई, जोन पकड़ के रखना परगटरी मैप में भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप जब भी अपनी रैंक पुश करोगे तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यार यहाँ पर मैं अभी भी रैंक पुश कर रहा हूँ, ठीक है अपनी। तो भाई जैसे कि यार चलो वीडियो सीधा आगे लेके जाते हैं, आपको एंड तक बताते हैं क्या क्या चीज़ करनी है इस मैप में।
उसके बाद यार आपको क्या करना भाई, एक व्हीकल पकड़ लेना, ठीक है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, लास्ट तक आप अगर जाना है तो आपको यार लास्ट जोन पे जहाँ बन सकता है, ठीक है, आपको एक व्हीकल पकड़ के, अगर आप मान लो काफी दूर हो तो भाई व्हीकल पकड़े सीधे से जाना है, ठीक है। अब मैंने ये गाड़ी पकड़ ली है, अब मैं आराम से वहाँ तक अपने सेफ जोन में चले जाऊँगा, ठीक है। और भाई सेफ जोन में जाके आराम से सर्वाइव करके बूया निकालने की पूरी ट्राई करूँगा। सो गाइस यार, आपको दोनों के दोनों मैप में यही स्ट्रेटेजी काम पे लेनी है, 100% आपकी रैंक इंप्रूव होने लग जाएगी। और भाई यार जो जो वीडियो देख रहा है हिडन प्लेसेस की, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। रैंक पुश करने में हिडन प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा भाई मदद करते हैं, यूजफुल होते हैं, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में हिडन प्लेसेस की वीडियो दे रखी है, प्लीज़ आके एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो भाई लोगों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।